कई दिनों बाद आज थोड़ी धूप निकली है। रात में सर्दी बहुत पड़ रही है, करीब 6-7 डिग्री टेम्परेचर तक पारा गिर जा रहा है। सवेरे मेरे घर के सामने लगे थर्मामीटर ने करीब 10 डिग्री दिखाया था मुझे। ये है लास्ट का कॉलम, फुटिंग। लंच टाइम है तो वर्कर्स थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ मिट्टी का ढेर, ये समस्या होगा थोड़ा, इसको काट के कुछ तो यहाँ भरेंगे, कुछ हटाना ही पड़ जाएगा। उधर रिटेनिंग वॉल का कार्य पूरा हो चुका है, नीचे तक मिट्टी का लेवल जहाँ तक वहाँ तक तो रिटेनिंग वॉल बनानी ही पड़ेगी पूरी। इधर अभी टाई बीम बांधने का काम हुआ नहीं है, होगा यहाँ से टाई बीम आएगी। टाई बीम के लिए पीसीसी बन गया है। इधर तो मिट्टी भर के पानी में डालेंगे। इधर कॉलम लैपिंग का काम पूरा हुआ है। इधर इसमें सेंटरिंग यानी कि शटरिंग होगी अभी। इधर टाई बीम हो चुका है, इधर कॉलम सेंटरिंग जिसको कि शटरिंग बोला जाता है हुआ है। अभी टेढ़े मेढ़े हैं, इनको फिक्स करके एकदम वर्टिकल बनाया जाएगा ऐसे सपोर्ट देके, तब उसके बाद कंक्रीट भरा जाएगा उसमें। अभी बस उसको कवर किया गया है, कवर किया गया है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इसकी पकड़ इतनी चाहिए होनी चाहिए कि जो ताज़ा सीमेंट डाला जाए, कंक्रीट डाला जाए, उससे ये खुल ना जाए, भाग ना जाए। ये धागा बांध के इसका देखा गया है कि वर्टिकल है कि नहीं, पूरा एग्जैक्ट वर्टिकल। इधर धागा जो बंधा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर टेढ़ा होगा तो पूरा का पूरा कॉलम टेढ़ा हो जाएगा, इतना ध्यान रखना पड़ता है। गुनगुनी धूप है आज, कई दिनों बाद इतनी बढ़िया धूप निकली है। तो हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स लोग धूप में टहल रहे हैं, बढ़िया से उसी में काम कर रहे हैं। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर पवन बाहर गोलगप्पे मार रहा था थोड़ी देर पहले। एक कन्हैया, कोई लेडी आके आके अंदर बाहर गई है। चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि अभी फ्लोर बांधने से पहले थोड़ा सा पीटेंगे। चूँकि धूप नहीं थी, धूप कम थी, इसलिए सूखा नहीं है अभी बराबर, ये मेरी परछाई। सूखेगा तभी नीचे का स्लैब डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ये बेसमेंट का फ्लोर का।